फ्लुइड काय आहे कोणी सांगेल मला मॅटर दॅट फ्लोज आर कॉल्ड फ्लुइड समजलं मग आता याच्यात तुम्ही मला मदत करत चला हे रिव्हिजन आहे रिव्हिजन केव्हा होते ज्यावेळेस तुम्ही आणि मी दोघे तयार आहे अभ्यास करत है ना मग आता आपल्याला मिळून अभ्यास करायचा द्या ना फ्लुइडच्या आपण प्रॉपर्टीज पाहिल्या होत्या मग कोणकोणत्या होत्या सांगा एक एक जण एक एक It can be easily deformed. Liquid can be compressed. Ideal fluid cannot be incompressible. It is incompressible. Lakshya theva. Nandar? Viscous in nature. Nandar kya hota hai sir? Main aapko bata dunga. Viscous nature. Viscous means that viscosity hoti. Okay. They have intermolecular force are less. Intermolecular force of attraction between fluid molecules are less as compared to volume fixed and shape is not fixed. Velocity is constant. They have fixed volume, but they do not have fixed shape. Fixed shape. Velocity is constant. They have ability to take the shape of an earth. समझ लाइ याच्यामध्ये काही डाऊट आहे कोणाला त्यानंतर नंतरचा टॉपिक काय होता ऍडेसिव्ह फोर्स आणि हे अट्रॅक्शन फोर्स आहे ओके अट्रॅक्टिव्ह नेचरचे फोर्सेस पाहिले होते आपण कोहेसिव्ह फोर्स आणि काय आहे कोहेसिव्ह फोर्स कोहेसिव्ह फोर्स कोणत्या मॉलिक्युल्स मध्ये असते अट्रॅक्शन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्युल मध्ये जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असते जसं मी एका ग्लासात पाणी घेतलं आणि फेकून दिलं तर वॉटर मॉलिक्युल्स मध्ये आहे ना जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल त्याला काय म्हणायचं त्या फोर्सला काय म्हणायचं फोर्स आणि तेच जर काही पाण्याचे थेंब आपण पाहिले की ते ग्लासाला चिपकलेलं असते आहे ना मग हा फोर्स कोणता आहे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन ग्लास मॉलिक्युल अँड वॉटर मॉलिक्युल इज कॉल्ड एज या कोहेसिव्ह फोर्स आणि अडेसिव्ह फोर्स या दोघांपैकी स्ट्रॉंग फोर्स असतो सो कोहेसिव्ह फोर्स इज ऑलवेज स्ट्रॉंग देन हे झालं होतं त्यानंतर काय पाहिलं होतं सरफेस टेन्शन काय असतो कोणी सांगेल मला हा चांगली क्वेश्चनचा आन्सर द्या त्यानंतर आपण पाहिलं होतं सरफेस टेन्शन सरफेस टेन्शन काय असते क्या होतं सरफेस टेन्शन बताओ देखो किसी भी लिक्विड के ऊपर अपर लेयर जो होती है लिक्विड की वो सप्रेस करने की कोशिश करती है इस वजह से उनमें बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग बन जाती है ना और वो एक दूसरे को होल्ड करके रखते पकड़ के रखती है यहाँ पर जो फोर्स एक्ट होता है पर यूनिट लेंथ और किस तरह से एक्ट होता है राइट एंगल कहाँ पर इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द थ्री सरफेस हमने कहा था फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट अ राइट एंगल टू एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ समझ में आया शुभांगी मैम अब सरफेस टेंशन के बाद में हमने क्या देखा था मॉलिक्यूलर फ्लूइडिटी मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बारे में डिटेल में लिया था ओके तो मॉलिक्यूलर थ्योरी मुझे कोई समझाएगा हमने क्या किया था एक कंटेनर लिया था जिसमें वाटर डाला था और उसमें एक हमने कंटेनर लिया उसमें वाटर है ना
लिक्विड आ गया। फिर हमने एक ऐसा ऑयल भी लिया जिसका स्पीड ऑफ इतना आधा ऊपर अब या तो आप उसको डायरेक्ट सर्कल से निकालो या तो फिर क्या करो उसको डॉटेड। फिर एक निकाला था वेल डीप है ना, उसका नाम दिया था बी है ना, बाकी सारा नीचे, इसका नाम दिया था सी। तीन टाइप के हमने मॉलिक्यूल देखे थे ओके, ये अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल। अब इसमें बाद में हमने क्या किया था, बी टाइप की स्टडी की थी। तो बी टाइप के मॉलिक्यूल कैसे हैं, हमने बोला था बी टाइप के मॉलिक्यूल के सारे तरफ कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये सब साइड से कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे चारों साइड से सेम फोर्स से खींचा जाए तो मेरी मूवमेंट किधर होगी, किधर भी नहीं होगी। रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल टाइप बी इज है ना, समझ में आया, बिकॉज ऑल द फोर्सेज आर एक्टिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, दैट्स व्हाई नेट रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। सो इसमें नेट कोहेसिव फोर्स काम पे कितना आता है, नेट कोहेसिव फोर्स जीरो। देन हमने क्या देखा था, ए टाइप के मॉलिक्यूल है ना, चलो ए टाइप के देखते हैं, सी टाइप के भी देखा, सी सी का कैसा है, तो 70-80% वाटर में है और 30% एयर। तो अभी सी टाइप के मॉलिक्यूल की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या मैं कहूँ सी टाइप मॉलिक्यूल का बहुत सा हिस्सा के कोहेसिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ओके। सी टाइप के इसमें है ना कोहेसिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है 70% हिस्सा और लगभग 30% हिस्सा रेड एयर कर रहा है, क्योंकि ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के कॉन्टेक्ट है एयर के, तो एयर और वाटर के बीच में का फोर्स कौन सा, एडहेसिव फोर्स, क्योंकि दो अलग है ना, वेगवेगळे आहे की नहीं ते है ना, एयर आणि वाटर हे वेगवेगळे आहे, वाटर 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 सारखेच आहे, मग त्यामुळे कोहेसिव फोर्स जो आहे हा 70% ऐकतो तो एडहेसिव फोर्स। अब इस वजह से क्या हुआ, अब मुझे बताओ कौन से इसमें बड़ा फोर्स लग रहा है, 70% हिस्से पर बड़ा फोर्स लग रहा है, वो उसको कहाँ पे खींच रहे नीचे के ऊपर, 30% फोर्स उसको ऊपर खींच रहा है, बताओ कौन सा ज्यादा, 70% वाला। तो क्या हम वही इस केस में जैसे इनेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो है वहीं पे रहने की कोशिश करेगा और सी मॉलिक्यूल नीचे दबने की कोशिश करेगा है ना। अब देखो बात ऐसी है, सी मॉलिक्यूल के टाइप में कौन सा आता है, ए टाइप के, ए टाइप के मॉलिक्यूल के बारे में शुभांग जी आप बताओ, इसका आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस काय के कॉन्टेक्ट में और बाकी का आधा लिक्विड के। अब देखो कोहेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है 50% और एडहेसिव फोर्स 50% है ना सेम, तो क्या ये वहीं पे रहेगा, क्योंकि कोहेसिव फोर्स समझ में आया, कोहेसिव फोर्स मतलब हम लोगों को पता है 50% हिस्से पर कोहेसिव फोर्स लग रहा है और 50% हिस्से पर फिर भी क्या होगा, कोहेसिव फोर्स समझ में आया कोमल मैडम, कोई डाउट है इसमें, यहाँ तक कोई डाउट है ना। फिर हमने देखा कि रिजल्ट में हम लोगों को ऐसा पता चला कि सारे के सारे मॉलिक्यूल किधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे दबाव बनाते हैं, नीचे दबाव बनाते हैं तो ये दबाव बनाने की वजह से वर्क डन होता है, ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में मतलब वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर एक्ट कर रही है ना, तो इसे कहते हैं ये जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया इसे कहते हैं सरफेस, क्या कहते हैं सरफेस
सरफेस एनर्जी क्या काम है ना, पोटेंशियल एनर्जी वॉल्यूम एरिया। क्या मैं कहूँ पोटेंशियल एनर्जी में क्या स्टोर हुआ था, वर्टम से वर्टम पर यूनिट एरिया भी हो जाएंगी है ना। अब मुझे बताओ वर्टम वर्टम बोले तो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना, और एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ बोलो, लेंथ इनटू ब्रेथ बोलो, एल इनटू डी बोलते हैं है ना। अब क्या मैं कहूँ इसको कहीं से भी देखा हुआ लगता है, सरफेस टेंशन की रेफरेंस फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट अ राइट एंगल टू एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो क्या वर्टम पर यूनिट एरिया को मैं सरफेस टेंशन बोल सकता हूँ, क्या यही पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया है, क्या यही सरफेस एनर्जी है। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ सरफेस एनर्जी नथिंग बट सरफेस दोनों क्या है, क्लियर ये समझ में आया था, इसमें कोई डाउट था। ओके तो यहाँ तक पढ़ लो, फिर हम बाकी का रिवाइज करें, चलो पढ़ो। ओके वा इंग्लिश मध्ये लिहिताना आपण कसं म्हणू शकतो याला, मॉलिक्युलर थेरीला अच्छा ठीक आहे ओके वा ओके वे कन्सिडर अ जार इन विच वी पोर सम लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल वी पोर सम वॉटर इन टू जार। नाउ वी कंसिडर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है ना, ए बी सी। ओके नाउ देयर आर द बी टाइप मॉलिक्यूल्स विच आर डीप इन साइड द वॉटर है ना, बी टाइप मॉलिक्यूल्स आर सराउंडेड बाय ऑल ऑल एटम्स है ना, इज रिएक्ट फ्रॉम ऑल द साइड्स, दैट्स व्हाई द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ साइड बी टाइप मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसेस कोहेसिव फोर्स इन ऑल द डायरेक्शंस, दैट्स व्हाई रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन बी टाइप मॉलिक्यूल इज जीरो। नाउ सी टाइप मॉलिक्यूल, ओके नाउ व्हेन वी कंसीडर सी टाइप मॉलिक्यूल्स, सो this type of molecule, the sphere of influence of this type of molecule is some portion of a sphere of influence is in contact with air, while other major part of sphere of influence is in contact with air. Major part influence is cohesive force and final direction changes and ideal force in air. Upward direction. That's why molecule C type molecule experiences net cohesive force in downward direction, net resultant force in downward direction. Okay, so they tend to move in downward direction. Now we consider A type molecule. Now for A type molecule which are lies on the surface of liquid, है ना? When such molecules are lie on exactly like on the surface of liquid. Half portion of A type molecule is in contact with air, and half portion of A type molecule is in contact with what? Now, the upper half portion experiences cohesive force, and lower half portion of A type molecule experiences cohesive force. So, upper half experiences adhesive force, lower half experiences cohesive force. Like for example 50% now in which direction the A type molecule tends to move downward, because cohesive force is stronger than adhesive force, cohesive force is stronger than adhesive force, that's why A type molecules also tend to move in downward direction. Now as these molecules which are in upper layer try to move in downward direction, so they create tension, yes. Now, because of these molecules, because of their tendency to movement, the potential energy acting per unit area is acting the
potential energy acting per unit area is also known as surface energy, because surface is producing that much energy. Okay, now as you all know that potential energy per unit area, okay, that is the surface energy of liquid which creates a stretch membrane, which creates a stretch membrane, and because of this membrane, upper layer of liquid is strongest layer among all the layers, because it possessing some tension, and that tension is called as surface tension. Okay, because in earlier case we know that force per unit length acting at a right angle to an imaginary line drawn on the free surface of liquid is called surface tension. समझ में आया? समझ लगा मुझे? हाँ, अच्छा पड़ेगा, मैं लिख लूँगा, ओके? फिर लिख लूँगी? अच्छा, पुर्जा टॉपिक? कैलकुलेट एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट अपन पहला होता, कि लेट्स से अपन पा वाटर का पहला होता जीरो मिनट्स का सवाला, है ना? डू नॉट वेट द सॉलिड, तो कंसीडर अ कंटेनर, अरे ये दे ओके, लक्ष्य रहे, कंसीडर अ कंटेनर एंड पोर सम लिक्विड इनटू इट, है ना? हाँ, मैंने क्या किया, कंटेनर लिया और इसमें एक लिक्विड डाला. अब तुम लोग आंसर करना मुझे, ये लिक्विड कौन सा है? तो है ना, देखो जरा, क्यों बोला मर्क्यूरी? कॉन्वेक्स सरफेस, क्यों? ऊपर से देखा तो कॉन्वेक्स है ना. अब ये जो पॉइंट है कि जो कांटेक्ट में है मर्क्यूरी का सॉलिड के, है ना, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एक लाइन निकालेंगे कुछ इस तरह से, जो कि लिक्विड लेवल और सॉलिड लेवल, लिक्विड लेवल और सॉलिड सरफेस को यहाँ से बनेगा, ओके? और दूसरा एक टेंजेंट निकालेंगे इस लिक्विड के सरफेस को, कि जो सॉलिड से दूर हटने की कोशिश कर रहा है, दूर हटने की आप आ जाने क्या, दोनों में से कोई, ओके? अब इन दोनों के बीच में का जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट. क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट. अब ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट अगर 90 डिग्री से ऊपर है, है ना, तो इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, है ना? समझ में? एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे निकालते हैं? देखो, ये एक लिक्विड है, इसके अंदर ये मैंने इस तरह का, है ना, अब ये पॉइंट है टच वाला, यहाँ से ऐसा निकालना क्लियर, और दूसरा इसको टेंजेंट है. अब इन दोनों के बीच में का एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, ये ग्रेटर देन 90, ये लेस देन 90, लेस देन 90, है ना? अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है, क्या बोलेंगे? अगर एक्यूट एंगल रहा तो ये लिक्विड कैसा रहेगा? पार्शियली गुड, पार्शियली विद द कंटेक्ट. समझ में आया था एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट वाला कंसेप्ट? और ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैंने आपको रे डायग्राम बना के दिया, याद है? वो पढ़ो, और हमने सरफेस टेंशन देखा था ना. हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सरफेस टेंशन, बोलो मुझे. सरफेस टेंशन जो है, जैसे कि मैंने कहा कि लिक्विड की अपर लेयर बहुत स्ट्रांग बन जाती है, जैसे पानी है ना, एक कंटेनर में हमने पानी ले लिया, तो उसमें मैम पानी की जो अपर लेयर है वो क्या बन जाती है? स्ट्रांग, है ना, स्ट्रांगेस्ट लेयर बन जाती है. इस वजह से क्या होता है उसके ऊपर? सरफेस टेंशन. जैसे कि मैंने कहा पानी पीते समय बहुत सारी आपकी पानी पीते समय कुछ पानी की बूंदें हमारे शर्ट के ऊपर गिर जाती है, लेकिन वो शर्ट को गिला नहीं करती, वो डायरेक्टली ऐसे मुंह होते हुए नीचे चली जाती है. क्या आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? बहुत बार हमने पानी पिया, कपड़े के ऊपर पानी गिरा, लेकिन कपड़ा गिला नहीं रहा, हम खुश हो गए, है ना? वो जो मॉलिक्यूल है वो मुंह होते हुए नीचे चले गए. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपर लेयर जो है किसी भी लिक्विड की,
जो कि फ्री सरफेस के कांटेक्ट में है वो जनरली किसी चीज को अंदर घुसने नहीं देती है ना। तो ये है अपर लेयर, ये किस वजह से घुसने नहीं देती, सरफेस टेंशन की वजह से। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो सरफेस टेंशन के ऊपर इफेक्ट करते हैं या सरफेस टेंशन को अफेक्ट करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर है ना। कपड़े धोते समय देखो, अब ठंडे पानी में कपड़े धोना है और गर्म पानी में कपड़े धोना है, कौन सा पानी प्रिफर करना? गर्म पानी कपड़ों के अंदर जल्दी घुस जाएगा, मतलब सरफेस टेंशन कम हुआ तभी जल्दी घुसा। सरफेस टेंशन उसका पहले जितना रहता था ठंडे पानी का, ठंडे पानी का सरफेस टेंशन ज्यादा है तो क्या कपड़े के अंदर घुसेगा? नॉर्मल कपड़े अच्छे निकलेंगे। और एक बात, अब ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों में से हम कपड़े धोने के लिए कौन सा प्रिफर करेंगे? गर्म पानी। अब गर्म पानी का अगर हम यूज कर रहे हैं कपड़े धोने के लिए बराबर, और एक बात हो रही है कि अगर फिर भी कपड़े अच्छे नहीं निकल रहे हैं तो हम क्या करते हैं उसमें? डिटर्जेंट। कैसे इम्प्योरिटी है, सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है? आधे लोग सॉल्युबल आधे इनसॉल्युबल। देखो डिटर्जेंट में क्या होता है, Na2CO3 मतलब सोडा, सोडा पानी में घुलता नहीं है ना, मतलब ये सॉल्युबल नहीं है। अब सोडा पानी में इनसॉल्युबल होने की वजह से हमारा डिटर्जेंट जो है ये पानी का सरफेस टेंशन कम कर देता है, इम्प्योरिटी और इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन द सरफेस टेंशन। इसमें हम क्या बताएंगे, इफ वी एड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी टू द लिक्विड व्हाट विल हैपन, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस है ना। फॉर एग्जाम्पल we add some detergent into water for washing the cloth, it reduces the surface tension of water, the detergent reduces the surface tension of water and that's why it easily soaks the water or cloth easily soaks the water and that's why we can easily clean out है ना। हम इस वजह से कपड़ों को अच्छे से धो सकते हैं, वो आता नहीं एडवर्टाइज में रेशो रेशो में खुले मैल निकाले है ना, समझ में आया है ना। घड़ी मेरे पास भी घड़ी है, वो वाले मेरे पास भी घड़ी है, आते ना समझ में आया क्या? टेम्परेचर अगर बढ़ गया, आप एक एग्जांपल देखो, सिंपल बात है जैसे कि एक बर्तन में पानी है, ठंडा पानी है तो उसका सरफेस तुमको सब प्लेट देखने को मिलेगा। अब तुमने उसके नीचे क्या कर दिया, टेम्परेचर लगा दिया, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी उबलने लगेगा तो क्या उसके सरफेस टेंशन के मॉलिक्यूल सरफेस पर ही रहेंगे? जिनको नीचे से गर्मी उबाल मारता है तो क्या सरफेस के मॉलिक्यूल स्ट्रेच मेम्ब्रेन बढ़ा पाएंगे उतना पहले बना देते है ना। इस वजह से सरफेस टेंशन क्या होता है ना, जैसे ये जो पानी तुम्हारे शर्ट के ऊपर गिरा था पानी पीते समय ये जल्दी से निकल गया था, ठंडा पानी क्या करे, गर्म पानी आया था ऐसा नहीं होता, जल्दी गिला भी हो जाता ना, कभी देखा तुमने गर्म पानी गिरा ऐसा होगा क्लियर? हाँ, अब इम्प्योरिटी होता है ना, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी अब सॉल्युबल है ना। इफ वी एड सॉल्युबल इम्प्योरिटी टू द लिक्विड what will happen, the density of liquid rises, that's why surface tension rises, molecule make a strong bond है ना। ये कहां पे देखने को मिलता है, पानी में अगर तुम शक्कर डाल दो तो उसका surface tension बढ़ जाएगा है ना, उससे भी नमक डालो देखो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल समुद्र है हमारा। मीठे पानी में जहाज चलती है तो उससे कम वेट लेकर चलना पड़ता है, खारे पानी में वही जहाज ज्यादा वेट लेकर चल सकती है ना। इसकी जो लोडिंग है, जहाज की जो लोडिंग है वो खारे पानी में ज्यादा कर सकते हैं है ना, ज्यादा माल लोड कर सकते हैं क्योंकि वो वेट ज्यादा सह सकते है ना, क्योंकि खारा पानी जो है उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होने से है ना, मीठे पानी से उसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो अपर लेयर नीचे धंसने नहीं देंगी चीजों को, वो ज्यादा फोर्स से उसको ऊपर
और इस वजह से क्या होगा, हमारी जो जहाज है समंदर का सोना आ रहा है ना, तो मीठे पानी में कम सोना ला पाएंगे जबकि ज्यादा सोना ला पाएंगे। क्लियर है, समझ में आए? डाउट है इसमें? तो ये होता है सरफेस इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी ऑन द सरफेस सॉल्यूबल इम्प्यूरिटी। देन आता था कौन सा था नहीं कैपिटेशन बोले कॉन्टेमिनेटेड पार्टिकल सरफेस टेंशन के ऊपर इफेक्ट करने वाला। अगर मैंने कहा था तुम लोगों को कि जैसे अभी मच्छर होते हैं है ना, खुले पानी की वजह से बहुत बारिश के दिनों में पानी जमा होता है, पानी जमा होता है, उस वजह से क्या होते हैं मच्छर होते हैं। और उसके लिए म्युनिसिपैलिटी वाले क्या करते हैं है ना, स्प्रे मारते हैं। उसके अंदर क्या होता है, केरोसिन होता है, रॉकेल और कुछ दवाई होती है ना। ये एक्सपीरियंस क्या किया तुम्हें, आजू बाजू मास्क लेकर है ना वो करते, तो हे कशा करता करता मच्छर कसे मरतात त्यांनी माहिती आहे, 10 फुट अंडी घालतात उघड्या पाण्यावर। मच्छर कहां पे अंडे डालते हैं? खुले पानी में। खुले पानी में मच्छर जब अंडे डालते हैं तो ये सरफेस टेंशन की वजह से ऊपर ही तरंगते रहते हैं है ना। अब ये इसमें क्या होता है, इसमें कैसा टाइप का लिक्विड होगा बताओ मुझे, उस कंटेनर के अंदर जो उसको जो पानी का सरफेस टेंशन कम करेगा या ज्यादा करेगा, उसके अंदर की इम्प्यूरिटी कैसे रहेंगे, इनसॉल्युबल या सॉल्युबल करके बताओ, इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटी होने से क्या होता है ना। अब रॉकेट पानी में घुलता है क्या, तो रॉकेट जैसा सर्वर डाल दो, रॉकेट इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटी में पानी के ऊपर डाल दी, सर्फेस टेंशन कम होगा, तो जो अंडे पहले ऊपर तरंग रहे थे अभी डूब के मर जाएंगे। समझ में आया क्या, क्लियर? हाँ, मच्छर भी छोटे छोटे होते हैं, अंडे छोटे हैं, मच्छर भी छोटे हैं, तो इतने बड़े बड़े अंडे है ना। समझ में आया, तो ये था एक कॉन्टेमिनेटेड पार्टिकल्स क्या भी था, जैसे कि ऑयल है, कोई चीज गिर गई है तो उससे भी सर्फेस टेंशन कम हो जाएगा है ना। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट है यहाँ तक? बाकी का हम कल देखेंगे।